पीपल वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज है 6 अगस्त और मैं फ्रेंडशिप डे है और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में मतलब फ्रेंड को मिलने के लिए निकली हूँ यहाँ से और बहुत मतलब लेट हो गया है मुझे। सब लोग रेडी हो गया है और मतलब मुझे ही ज़्यादा लेट हो गया, तो ऐसे मैं रेडी हुई हूँ। आई होप ये अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा लग रहा है। अभी मैं जाऊँगी तो फिर आपको बाद में वहाँ पर दिखाती हूँ कि ये फुल लुक कैसा है। और अभी फटाफट निकलते हैं, अभी मैं स्कूटी पार्किंग में से निकालती हूँ और यहाँ से निकलते हैं। यहीं पर नज़दीक हम लोग मैकडी में जाने वाले, क्योंकि आज संडे है और हर जगह पर बहुत ज़्यादा रश होने वाला है और रेस्टोरेंट में वगैरह जाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैकडी में हम लोग थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। और बारिश अभी चालू थी लेकिन अभी थोड़ी खुल गई है, थोड़ा बंद हो गया है बारिश, तो फटाफट मैं निकलती हूँ यहाँ से, ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और अगर बारिश हुई तो फिर सब मतलब जो है ना पेंट निकल जाएगा, तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से अभी। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ विरार, मतलब विरार में ही हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड है और उसकी डॉटर है, उसको पिकअप करने के लिए आई हूँ और यहाँ से फिर हम लोग आगे जाएंगे और दूसरी जो फ्रेंड है वो डायरेक्टली आ जाएगी, तो उसके हस्बैंड शायद उसको छोड़ेंगे। तो ये मैंने हेयर कट किया है कल रात को और मुझे इससे भी ज़्यादा शॉर्ट हेयर करने थे, बट मम्मी मना कर रही थी तो फिर मैंने इतना ही किया। कैसे लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों के बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ, काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई थी, मतलब घर के अंदर ही अंदर ना कैसे तो भी फील हो रहा था एकदम। और रिसेंटली मेरा ब्रेकअप हो गया है तो थोड़ा सा मतलब चल रहा था ऐसे वैसे, बट अभी थोड़ा मूड ठीक हुआ और फ्रेंड्स के साथ में मिलने का एक अलग ही मतलब खुशी रहती है ना कि हाँ चलो फ्रेंड्स के साथ में मिलेंगे, थोड़ा सुख दुख बांटेंगे एक दूसरे के साथ में। उसी को देख रही हूँ कि बस अभी आएगी थोड़ी देर में वो, तो फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और दूसरी फ्रेंड है वो भी निकल चुकी है, और फ्रेंड्स यार कैसे भी हो लेकिन लाइफ में होने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ना आपका मतलब ब्रेकअप हो जाता ना फ्रेंकली स्पीकिंग, जब आपका ब्रेकअप होता ना तो उसके बाद में आपको ना रियलाइज़ होता है कि हाँ कोई तो भी लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि वो एक इंसान को ना आप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हो ना तो आपको आजू बाजू में दिखता ही नहीं है। और जब वो एक इंसान आपको चुना लगा के चला जाता ना, तो जब आप पीछे मुड़ के देखते हो आजू बाजू में देखते हो ना, तो कोई रहता ही नहीं है कि किसी के साथ बात कर सके या बोल सके। तो हाँ एक हाथ दो तो फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए लाइफ में कि जिनके साथ आप अपनी हर चीज़ शेयर कर सको और जो हाँ आपके जो सीक्रेट से बाहर रिवील ना करें। तो बस अभी आ रही है वो, उसका वेट करते हैं। आप लोग बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं सही बात कर रही हूँ। एंड अभी वहाँ पे फ्रेंडशिप बैंड ले रही है, मैंने ले लिया फ्रेंडशिप बैंड और ये उसकी लड़की है। सो नाम क्या बड़ा? ओवी नाम है इसका। ये तो अभी हम लोग आ गए और मैं देखो मोबाइल निकाल लेके चुका मैं यहाँ से आ गई उल्टा, और पैर स्लिप ना हो होपफुली। और ये है मेरे दो नमूने फ्रेंड्स, दो ही बच्चे अभी फिलहाल। तो ये तो हाय क्या उधर का तो एक्चुअली हम लोग गए थे मैकडी गए थे, बट मैकडी में फिर श्वेता बोली कि हम लोग कहीं और जाते हैं, तो अभी हम लोग बारबेक्यू नेशन आए हैं और बस टेबल रेडी हो रहा है। और अंदर जाकर मैं बोल नहीं सकती, वीडियो बनाऊंगी बट मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि अंदर म्यूजिक चल रहा है तो कॉपीराइट रह जाएगा। खाना खा के अभी हमारा हो गया और ये हम लोगों ने फ्रेंडशिप बैंड लाए थे, तो अभी बस वही बांधेंगे, बांधेंगे क्या वही पहनाएंगे, पहना श्वेता वो पट्टी वाली नहीं मिली क्या जो लाया वो पहना ना अच्छे से पट्टी वाला था लेकिन मैंने बोला चलिए अपन थोड़े बड़े हो गए तो महंगा वाला थोड़ा। ये क्या है? ये गो हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अच्छा आप लोगों ने क्यों आया? हाँ हम लोगों ने लाया ना। अच्छा अरे रुक, हैप्पी फ्रेंडशिप डे।
उनका उनका भी सब मोबाइल घुमा रहे बस सब ये ना हार हैप्पी फ्रेंडशिप डे अभी फ्रेंडशिप बैंड बांध दिया हमने और बस अभी यहाँ से निकलेंगे अभी क्या करेंगे फोटोशूट करना है ना yes. तो फोटोशूट कहाँ पे करेंगे आएगा बारबेक्यू नेशन खाना खा इतना खा लिया ना हम लोगों ने लिटरली अभी ऐसे लग रहा है ना कि ये सब बंद करे ना ऐसे लग रहा है हमको सोने दो अभी थोड़ी देर हम लोग इधर सोते हैं और फिर निकल जाए ना कसा वाटला बाळा जेवण चांगला होता इसने भी लिपस्टिक लगाया लिपस्टिक देखो वो भी नजदीक आके दिखा रही है फिर सारा फोटो सेशन हमने कर लिया और मेरे मुंह का पूरा पेंट उतरने लगा इतनी गर्म हो रहा था और अभी ये प्रज्ञा और उसकी लड़के भी आ रहे हैं हम लोग दोनों नीचे आ गए और अभी यहाँ से देखते हैं डायरेक्ट घर पे ही जाएंगे मुझे जाना है पेट्रोल डालने के लिए अभी देखते हैं कौन मेरे साथ आता है प्रज्ञा और उसकी लड़की अभी यहाँ से ऑटो से जा रहे हैं क्योंकि मुझे जाना है पेट्रोल वगैरह भराने के लिए बाय ओवी मजा आली बड़ा कितनी मजा आली खूब मजा आली ना और तुला आली बड़ा चल बाय जा संभाळून बाय 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 हैप्पी फ्रेंडशिप डे बाय बाय ओके तो अभी मैं वहां से निकल गई और बस अभी घर के पास में पहुंची हूँ और मौसम इतना अच्छा हुआ बट दिखने में इतना अच्छा लग रहा है इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी और इतनी ज्यादा गर्म हो रहा है ना हालत खराब हो गई है तो अभी बस जस्ट मैं घर पे पहुंचूंगी कुणाल का फ़ोन आया था मुझे तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो अभी घर पे जाती हूँ फिर फ्रेश वगैरह होके थोड़ा रेडी होके थोड़ा बाहर जाना हम लोगों को दिखाऊंगी आगे व्लॉग में आपको आज का फ्रेंडशिप डे काफ़ी अच्छा था बहुत दिनों के बाद मैं फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड किया एंड बहुत मस्त लग रहा है काफ़ी रिलीफ फील हो रहा है मुझे बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलते ना इतना अंदर कुछ बहुत कुछ भरा था ना इतना कोई बात करने के लिए नहीं था बट अभी फ्रेंड्स मिले हैं तो फ्रेंड्स के साथ में इतनी सारी बातें की है एंड फीलिंग सो गुड नाउ तो अभी रिलीफ लग रहा है थोड़ा सा एंड हाँ जीसस इज ऑलवेज देयर विथ मी बात करने के लिए कोई फ्रेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप लोगों का फ्रेंडशिप डे कैसा था और हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू ऑल गाइज आप लोग भी मेरे फ्रेंड जैसे ही हो तो आप लोगों को भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे और आप लोगों ने क्या किया क्या मतलब मज़े किए आज क्या क्या किया सब बताना मुझे और ये देख सकते हो पूरा मेकअप मेरा मेल्ट हो रहा है इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है हालत ख़राब हो गई है और बाल मुझे ऐसे फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा छोटे हो गए बट ठीक है अभी कट कर दिए घर की खेती है बन जाएगी और आज संडे है ना तो इसलिए देख रहे हो पब्लिक मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ी है क्योंकि सब रिसोर्ट वगैरह जाते हैं यहाँ से लोग तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह है तो रश भी बहुत ज़्यादा बस अभी निकलते हैं यहाँ से मतलब यहाँ से अभी निकलती हूँ और घर पर जाती हूँ थोड़ा फ्रेश वगैरह होके फिर मिलते हो आपसे ओके तो अभी हम लोग निकल गए और ये मैंने छाता लिया और कुणाल और मैं अभी निकले हैं आज जैसे मैंने बताया था कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है चर्च के अंदर लोगों ने ना मतलब चर्च चालू था और चर्च के अंदर लोगों ने घुस कर मारामारी किया और पास्टर्स को बहुत मारा दो पास्टर ने उनको मारा और चर्च के कुछ लोगों को भी मारा तो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं बहुत प्रॉब्लम हो गया है तो बस जाके अभी देखते हैं कि क्या है वहाँ का सीन कैसे हो रहा है और अभी शाम के कितने बज रहे अभी 7 बज गए हैं और अभी अंधेरा नहीं हुआ काफ़ी अच्छा उजाला है बट अभी लग रहा है कि बारिश आएगी हल्की हल्की इसमें छाता साथ में ले लिया आगे जाकर देखते हैं कैसे सीन है अभी हम लोग पेट्रोल डालने आए हैं और रश देखो यार काफ़ी ज़्यादा रश है और लाइन भी है संडे है ना आज इसलिए संडे को ऐसे ही रश होता है तो अभी बज रहे हैं शाम के 9:15 हो रहे हैं और अभी हम लोग हॉस्पिटल आए हैं यहाँ पर ये प्लैटिनम हॉस्पिटल है वैसे ईस्ट में वहाँ पर हम लोग आए और बहुत मतलब मैटर हो गया था तो फिर पुलिस स्टेशन में थे वहाँ से यहाँ पर आए मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अभी क्या बोलूँ हंसू रोऊँ क्या बोलूँ लेकिन यार क्यों ऐसे लोग करते हैं मतलब चर्च में जब लोग प्रार्थना कर रहे हैं
हम लोग जब प्रार्थना करते हैं ना, तो हम लोग सिर्फ खुद के फैमिली के लिए या खुद के लिए नहीं प्रार्थना करते हैं, हम लोग हमारे ना एरिया के लिए, हमारे सिटी के लिए, हर चीज़ के लिए, हमारे देश के लिए, हर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और हम लोग कोई वायलेंस नहीं फैला रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो भी लोग ऐसे ना जिस तरह से चर्च के अंदर घुस के मारपीट करना, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता कि वो क्या मेंटेलिटी से ऐसे करते हैं। बट अगर आप में से कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहा है और अगर किसी को भी ये लगता है कि या फिर किसी के भी दिल में ऐसी चीज़ें हैं या वो ऐसे कर सकता है या करने की कोशिश करता है, या आप लोगों को लगता है कि मसीह लोगों को, परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले, जीवित परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले लोगों को तकलीफ़ देके आपको कुछ सुकून मिलेगा, तो मेरे भाई या बहन जो भी आप हो, आप बहुत गलत फहमी में हो। क्योंकि हम जिस परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं ना, वो हमें हिंसा करने के लिए नहीं सिखाता। परमेश्वर ने कहा है कि अगर आप एक गाल में किसी ने मारा ना, तो तुम्हारा दूसरा गाल भी आगे करो, और दूसरा गाल भी हम आगे करेंगे, और हम लोग कभी भी डरेंगे नहीं। और ऐसी सारी चीज़ों से अगर लोगों को लगता है ना कि हम लोग परमेश्वर से दूर होंगे, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर से कभी नहीं दूर हो सकते हैं। तो इसलिए आप ऐसे सारी चीज़ें कभी मत करो, क्योंकि ये आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा कर्ज लेके आएगा। और मैं नहीं चाहती कि दुनिया में कोई भी हो जिसके ऊपर ना परमेश्वर का कोप आए, तो इसलिए आप परमेश्वर के लोगों को सताना बंद करो। जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, और जो भी लोग अगर उसमें से एक भी बंदा अगर सुन रहा है, तो आप लोग सुन लो कि ऐसी चीज़ें मत करो, प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करो, क्योंकि हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, परमेश्वर हमें फिर से खड़ा करेगा। अगर हम लोग गिर गए ना, परमेश्वर हमें फिर से खड़ा करेगा, पर आपका हम गारंटी नहीं ले सकते कि आपके साथ क्या होगा। इसलिए ऐसी चीज़ें मत करो कि परमेश्वर जिसने सृष्टि बनाई है, उसके बच्चों को आप तकलीफ़ मत दो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर से मैं विनती करती हूँ कि कोई भी परमेश्वर का जन अगर प्रार्थना करता है, तो उसे तकलीफ़ मत दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ।